हेलो दोस्तों, और ये येलो बस को देख के तो आप समझ गए हो कि मैं कहाँ पे हूँ, और आपको अब तो दिख भी गया होगा वनस्थली का टैग। सो यस, फाइनली हम जा रहे हैं वापस से आज वनस्थली। यस गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वनस्थली, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम यहाँ पूजा के लिए आए हुए हैं। सो पूजा एंजॉय करते पहले, लेट्स गो। एंड ये व्यू तो हमारे वनस्थली की हर एक लड़की को पता ही होगा। सो ये ओल्ड मार्केट का व्यू है, और यहाँ आके मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील हो गया ना भाई साहब। सारी मेमोरीज याद आ गई, मेरी फ्रेंड्स, मेरी रूममेट्स, मुझे सब इतनी याद आ रही थी ना, कसम से। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। ये ओल्ड मार्केट है, यहाँ से हम एंटर होते थे, ये पानी की बाहर है, हम पैर धोते थे बारिश के अंदर, और सब बातें मेरे ना दिमाग में घूम रही थी बार बार से। मन कर रहा था यहाँ से चली जाऊँ, मतलब बहुत अपनापन सा, पता नहीं कैसे ही फील हो रहा था। नया गेम डाउनलोड कर लो, ट्रैक्टर है क्या? अच्छा ट्रैक्टर है। नया गेम डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करना। और अपन अपन कहाँ जा रहे हैं? ना फोन खराब हो गया। हम इधर तो अपन कहाँ जा रहे हैं बेटा? मेरे को नहीं पता, तो इससे पैर थोड़े लगते हैं इसमें। जी जी बेटा, ये तो पापा। हाँ ठीक होके आया, तो मैंने सोचा टेम्पर्ड वगैरह से। क्या हुआ? एग्जिट किस साइड से है? और एक्स वनस्थलाइट्स कैसा लग रहा है? हाँ, इस गेट को देखकर मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। इस गेट तक ना हम आते थे पहले, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, कि चलो गार्ड को चकमा दे के निकलते हैं बाहर। फिर वहाँ तक गेट तक आते थे, और फिर वापस भग जाते थे, क्योंकि गार्ड अंकल इसे देखते थे और हम डर के और निकल जाते थे वापस। हमें लगा था आज तो नहीं रुकेगा ये, लेकिन ये गार्ड अंकल रोके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आए थे, बिकॉज़ भैया का बर्थडे भी था और मेरे मामू की लड़की का बर्थडे भी था। और यहाँ पे मैं मेरी बहुत सारी ओल्ड फ्रेंड्स से भी मिली थी, अंजलि, आयुषी, जितना मुझे याद आ रहा है ना वो भी। सो सारी मेमोरीज बाय गॉड। यहाँ हम SB के आगे बैठे थे, बैंक के आगे, क्योंकि इस जगह पे नेट बहुत अच्छा आता है, पता नहीं क्यों। हॉस्टल से भी इतना अच्छा नहीं आता है, तो यहाँ सब लड़कियां ऐसे, हम भी ऐसे ही बैठे होते थे। इस बेबी को स्पेशल थैंक्स, बिकॉज इसने मेरा पूरा वीडियो बनाया, थैंक यू बच्चा। सो वनस्थली से फ्री होके और सेलिब्रेशन खाना वाना खा पी के हम लोग पहुंच गए मेरी माम के घर नीबई।
एंड वहाँ पे भी फिर भैया और ने केक ला रखा था, सो वही सेलिब्रेट किया दोबारा से। मामू और बैठे हुए दोनों, और यहाँ पे मामी बोल रही थी कि इसको फूक नहीं लगाते, कैंडल जलाओ और वापस साइड में रख दो। और भैया Happy birthday to एंड इसके बाद थोड़ा ये तो बनता ही है, इतना फिर भी इसको बख्श दिया हमने, कम ही लगाया भैया ने। एंड बस इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और ये सुबह हम रात भर सो गए बातें की, और सुबह होते ही हर घर में होता है ये, पैसे देते हैं हम मना करते हैं और बाद में दे ही देते हैं, तो बड़े तो करते ही ऐसा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।